प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोली, हम लोग मेहनत करके पैसा कमा कर सपने देख देख कर तुमको स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ाई के लिए या स्ट्राइक के लिए? मम्मी, डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल, रिलैक्स, कूल। कूल नहीं, स्कूल जाएगा तू। एंड व्हाट इज दिस, कम ऑन, गेट डाउन, गेट डाउन। एक झापड़ मारूंगी। वाह, बड़े करे तो स्ट्राइक और छोटे करे तो फाइट। मॉम, वी आर राइट, ओके? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती ये स्ट्राइक चलेगी। और पता है हमारी टीचर कितना सारा होमवर्क देती है? अच्छा, टीचर ज्यादा होमवर्क देती है इसीलिए स्ट्राइक किया है? जब एक माँ बोलेगी तब तक एक बेटा सुनेगा, पर जब कोई स्ट्राइक के बारे में बोलेगा तब एक स्टूडेंट बोलेगा। कल दीवार पिक्चर देखी? हाँ, यस मॉम। गोली, तुम्हारी स्ट्राइक को मैं गोली मार। एक मिनट मम्मी, अगर आपको स्ट्राइक के बारे में बात करनी हो तो हमारे लीडर टप्पू उर्फ टिपेंद्र से बात करनी होगी। ओए पापा जी, ओए पापा जी। तू इतना चंगा पुत्र है गया मेरा। देख पुत्र, स्कूल में हड़ताल करना बहुत बुरी बात है। पापा, टीचर अगर स्ट्राइक की तो उनकी डिमांड पूरी हो गई ना? हाँ। तो मैं गलत हूँ? नहीं, मेरी टीचर डांटती है। वो तेरे को टीचर डांटती है? तूने बताया नहीं, कब डांटती है? कल, जब मैं सेकंड पीरियड में खा रहा था। ओए पुत्र, पीरियड में खाएगा तो टीचर तेरे को डांटेगी ना, तेरी आरती तो उतारेगी नहीं यार। अच्छा सुन पुत्र, अगर तू स्कूल जाना शुरू कर देगा ना तो इस बार की वोकेशंस में मैं तेरे को हिल स्टेशन पे ले जाऊंगा। सच पापा? हाँ सच्ची मुच्ची। आप अपने बेटे को गिरफ्तार बनाना चाहते हो? ओए पापा जी। इस शिक्षक की बात तुम उत्तर पत्रिका में लिख लेना माधवी, ये टप्पू आगे जाकर पूरे देश में स्ट्राइक करवाएगा, पूरे देश का अरबों रुपए का नुकसान करवाएगा। कोई भी देश हमसे संबंध नहीं रखेगा इस टप्पू की वजह से। झालप, क्या आप ही कहां से कहां पहुंच जाते हो? अरे स्कूल में ही स्ट्राइक करवाई है ना उसने। इसीलिए तो कह रहा हूँ माधवी, अरे स्कूल में बच्चों पर अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है वहां पर, और वहीं पर ये टप्पू स्ट्राइक कर रहा है, बच्चों को गुमराह कर रहा है। और ये कौन है? ये है कौन? अरे हमारी बेटी है। वो मुझे भी मालूम है माधवी, यही तो मैं कह रहा हूँ, इस सिद्धांतवादी आत्माराम भिड़े की बेटी उस टप्पू का साथ दे रही है स्ट्राइक में। सोनू, तुम टप्पू का साथ नहीं दोगी? नहीं बाबा। वेरी गुड, मैं टप्पू का साथ दूंगी। वेरी बैड। और बाबा, सारे स्टूडेंट्स टप्पू के साथ है और मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। सॉरी। सोनू, क्या होगा इस देश का? टप्पू, ये देख, ये तेरे लाल के हड़ताल की वजह से सब बच्चों के माँ बाप मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। कितनी बार फोन कर दूं मैं सबका? टप्पू, तू अपनी हड़ताल वापस लेगा कि नहीं? नहीं, पहले हमारी मांगे पूरी करो। ए मांगे? अरे तू क्या खड़ी है दया, समझा अपने ये लाल को, समझा, ये तेरे लाल के सब जगह चर्चे हो रहे। अरे चर्चे तो बड़े लोगों के ही होते हैं। मेरी माँ की बात सच हो गई।
कौन सी? माँ ने कहा था कि टप्पू में लेदर बनने के सभी गुण है। लेदर? मुखिया? अरे मम्मी, उसे लेदर नहीं लीडर कहते हैं। लीडर? हाँ, तुम्हारे पापा समझ गए। समझ गए ना? ये लेदर लीडर मुखिया, तू चुप रे। टप्पू, मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू अपनी हड़ताल वापस लेता है कि नहीं? नहीं। एक चांट। थप्पड़ लगाने से पहले एक बार सोच लेना पापा, क्योंकि मेरे पीछे 500 बच्चे हैं। तो मेरे पीछे 1000 बूढ़े हैं। ये इसके 500 बच्चे के माँ बाप जो मुझे बार बार फोन करके मेरा खून पी रहे। देख टप्पू, टप्पू आप शांत रहिए, मैं समझाऊंगी ना। समझा समझा ये तेरे बेटे को। नॉनसेंस। ये किस तरह का इधर? बापूजी ने तो बापू बाबा भी मना कर रहे थे कि मैं टप्पू का साथ ना दूं, लेकिन मैंने उनको कह दिया कि मैं टप्पू की बेस्ट फ्रेंड हूँ। थैंक्स सोनू। टप्पू, मेरे पापा ने मुझे लालच दी। उन्होंने कहा तू टप्पू का साइक में साथ छोड़ दे, मैं तुझे साइकिल दूंगा, लेकिन मैंने उन्हें ना कह दिया। फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स हमें डांटेंगे, लालच देकर हमारी स्ट्राइक तोड़ने की ट्राई करेंगे, पर हम हमारी यूनिटी टूटने नहीं देंगे। ओके ओके। टप्पू बेटा, वाटर बैग ली? हाँ मम्मी। अरे टप्पू तो स्कूल जा रहा है। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जाने देता हूँ। अगर लीडर स्कूल नहीं जाएगा तो हड़ताल अपने आप खत्म हो जाएगी। बिना नेटवर्क के मोबाइल कैसे चल सकता है? वाह जेठालाल, क्या सोचा है तुमने? चलो चलो। हाँ, और हाँ देख टप्पू बेटा, तुम्हारे टिफिन में आज मैंने मेथी के थेपले रखे हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ मम्मी, जाते ही खा लूंगा। क्यों जाते ही खा लेगा? मम्मी स्ट्राइक चालू है ना, तो कभी भी खा सकते हैं। टप्पू बेटा, तू कहीं नहीं जा रहा है, चुपचाप अंदर बैठ जा। तो पापा हमारी स्ट्राइक? चुप रहे स्ट्राइक वाली, फुल पैंट पहनना तो आता है नहीं, चला स्ट्राइक करने। रहने दीजिए ना, मैं क्या कहती हूँ, टप्पू की कुछ मांगे तो सही है। डोबी, अकल है तुम्हारे दिमाग में? कभी देखा है छोटे छोटे बच्चे स्कूल में हड़ताल करवाते, कभी सुना है? अरे ये छोटा बच्चा थोड़ी है, मेरा टप्पू है। टप्पू, मैंने बोल दिया ना, टप्पू नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। आज तैयार हो गया है तो जाने दीजिए ना, बस कल रोक लेना। अरे आज वो स्कूल गया, कुछ गड़बड़ की तो प्रिंसिपल का बुलावा मुझे आएगा और मुझे फिर से डांट पड़ेगी। तो खा लेना डांट। अरे वो प्रिंसिपल की डांट तुम्हारे हाथ के थेपले नहीं है जो चपा चप खा जाऊं। कुछ टप्पू, टप्पू कहाँ गया? मुझे लगता है कि टप्पू चला गया। एकदम होशियार है मेरा बेटा, अपने सुंदर बाबा की जैसा। ये मेहता साहब भी ना, जब भी जरूरत होती है तभी पता नहीं कहाँ गायब हो जाते। क्या करूँ? देखा देखा, इसे कहते हैं निर्लज्ज। बाप आराम से सिर पर हाथ रखकर बैठा है। मैं सिर पे हाथ रख के बैठा नहीं हूँ, आराम से सर पीट रहा हूँ। सर क्यों? अरे मेरी पूरी स्कूल की पढ़ाई में जितनी डांट मुझे नहीं मिली ना, उतनी डांट ये टप्पू की वजह से कल उसके प्रिंसिपल ने मुझे दी।
अभी पता नहीं आज क्या होगा। जेठालाल ये जो मुसीबत है ना ये तुम्हारी वजह से आई है। मेरी वजह से कैसे? कैसे क्या कैसे, टप्पू जैसे महाभयानक बच्चे को जन्म जो दिया तुमने। क्या पीड़े प्रात सुबह सुबह पका रहा है, टप्पू को जन्म जेठालाल ने थोड़ी ना दिया। तो दया भाभी ने दिया यार। शाबाश सोडे। ओ शाबाशी की ऐसी की तैसी। ओ स्ट्राइक का क्या करना है वो कुछ सोचो। ए भाई ए तू इतना गुस्सा होकर मेरे साथ क्या बात कर रहा है भाई, तू जा अपना गैरेज संभाल। ओए क्या बोला गैरेज के बारे में है? अरे भाई कुछ गलत बोला है क्या? तुम्हारे पास अपना गैरेज है ने? हाँ। तुम गैरेज संभालो, मेरे पास दुकान है, मैं दुकान संभालता हूं, ऐसा बोल रहा हूँ। जेठालाल तुम बात मत बदलो, क्या करना है बोलो आगे। जब देखो तब मेरे ऊपर बोलते हैं। अरे तुम मुझे क्यों डांटो यार? अरे तुम्हारी बच्चे की वजह से ये सब संगत हो रही है। अरे जेठा रिक्शा वाले को पैसा दे दे और सामान निकाल ले। अरे बापू जी आप आ गए। बापू जी सही वक्त पे आए आप। क्यों अब क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया बापू जी। टप्पू। क्या हुआ टप्पू को? टप्पू ने स्कूल में हड़ताल करवा दिया बापू जी। क्या? जरूर तूने ही कुछ किया होगा। अरे मैं? चुप रहे बाबू चक कहीं का। चाचा जी आप बाद में जेठालाल को जरूर डांटिए लेकिन पहले स्कूल में चलकर टप्पू को समझाइए प्लीज। हाँ बाबू जी स्कूल में समझाइए टप्पू को। ठीक है चलो सब लोग इसी रिक्शा में चलो। हाँ, चलो, चलो, चलो। एक मिनट लेकिन एक रिक्शा में चार जन कैसे जाएंगे? तो एक काम कर भाई तू दूसरे रिक्शा में अपने पैसे से। बैठो बाबू जी बैग इधर दे दो। आप बैठो आराम से। वो बैग जो है ना आप ऐसे ऊपर रख के। हाँ वो आप पकड़ो बैग इधर आपके पास रखो। मेरे पास क्यों लेकिन? अरे भाई पीछे हम लोग तीन लोग है, आगे आप दो लोग हैं, अभी बैग के साथ तीन हो गए ना, तीन आगे तीन पीछे, वो बैलेंस एकदम बराबर हो जाएगा। बैठो बैठो। चलो भाई टप्पू के स्कूल में जाएं। चलो जाना दो भाई। अरे ठोक क्यों रहे हो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है। देखो मैंने तुम्हारी सारी डिमांड्स पढ़ी है, उसमें से एक डिमांड मैं मानने को तैयार हूं, चॉकलेट की। आप स्ट्राइक खत्म करो, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूं। सर हम बच्चे हैं पर इतने भी छोटे नहीं हैं, क्या आप एक चॉकलेट दोगे तो हम मान जाएंगे। रुको रुको। अरे क्या रोको रोको, क्या क्लीनर बैठा हो क्या यहाँ पे? अरे भाई बस आओ, आओ, आगे पकड़ो। अरे एक मिनट बापूजी को उतरने तो दो। क्या पकड़ो? आया छोटे भाई को बापूजी का आना दो। बापूजी ये सर संभाल ले, एक मिनट इधर ना लग नहीं जा रहा। बस आराम से। आ गए वो, अभी पकड़ो। अरे एक मिनट बाद पैसा तो देना दो। अरे पैसा बाद में देना, पकड़ो ना पहले। तो पैसा तुम दे रहे हो? दे दो। बोल रहा हूँ यार दो मिनट लेता हूँ। कितना हुआ चाचा? 30 रुपया। 30 रुपया आ, ये लो 30 रुपया, ये लो। चलो पकड़ो। एक बापू जी देखे ये टप्पू की स्कूल और इधर अपने को जान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ी छोड़ी, मैं तुम लोगों की दूसरी कोई मांग नहीं मानूंगा। सर कोई भी दुकान वाला 50-60% डिस्काउंट देता है पर आप तो 90% डिस्काउंट चाहते हो, ये सही नहीं है। वाह टपुड़ा वाह। दादाजी यस, अब हमारी स्ट्राइक में मेरे दादाजी भी मेरा साथ देंगे। चुप, ये क्या लगता है तेरी गलत बात में भी तेरे दादाजी तेरा साथ देंगे? पकड़ो। किधर किधर से आ जाता है बैग लेके? अरे तुम्हारा बच्चा, ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र है कि हड़ताल करने की? अरे तुम लोगों को पता नहीं है कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने नहीं मिलता है, वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, और तुम लोगों को पढ़ने मिल रहा है तो तुम लोगों को होमवर्क ज्यादा लग रहा है? और क्या चाहिए था? चॉकलेट चाहिए थी। चॉकलेट खा के क्या दांत बिगाड़ ले? पर दादाजी कम से कम पीरियड तो कम होने चाहिए ना। अच्छा छुट्टियों में पूरा दिन खेलते रहते हो, तब कभी बोलते हो कि आज ज्यादा खेले तो पीरियड ज्यादा लगते हैं? और कुछ? हाँ वो चाचा जी वो फेल नहीं करने का। अच्छा मतलब तुम लोगों को सिर्फ पास ही होना है, बिना मेहनत किए फल चाहिए। तो एक काम करो कल से ना सिर्फ गेहूँ खा लो, ये गेहूँ पीस के आटा बनाने की रोटी बनाने की क्या जरूरत है? गेहूँ आटा का मतलब? देखो बच्चों जब गलती की सजा मिलती है तभी उस गलती का एहसास होता है।
और वो इंसान कभी उस गलती को दोहराता भी नहीं है। एक बात कान खोल को सुन लो, जो इंसान गलती को सुधारता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। पर दादाजी, सजा के नाम पे पिटाई तो नहीं होनी चाहिए ना? हाँ, तो फिर वो पिटाई करने वाले की गलती है, क्यों हेडमास्टर? हाँ, 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 हाँ। हाँ, और बच्चों, तुम लोग जब घर पे गलती करते हो तो घर में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते नहीं है? मैं तो गलती नहीं करता, तो ये बापूजी मुझे डांटते हैं। बोला सही करते हैं। उसी तरह स्कूल में ये हेडमास्टर तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें डांटते हैं। और चाचा जी, इनको वो स्कूल ड्रेस भी नहीं पहनना है। हाँ, स्कूल ड्रेस नहीं पहनना है। अरे टप्पू, तू सोच, अगर तू स्कूल में आए और ये गोली तुझसे भी ज्यादा महंगे कपड़े और ज्यादा महंगे जूते पहनकर आएगा तो तुझे जलन होगी कि नहीं? हाँ दादाजी। तो फिर इसलिए ये जो स्कूल ड्रेस है बच्चों, ये ऊंच नीच जात पात इन सब भेदभाव को दूर करता है, सबको समान रखता है। अरे पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करो, और तुम्हारा भला बुरा सोचने के लिए तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे मास्टर लोग है यहाँ पर, है समझे? दादाजी हमसे गलती हो गई। हाँ तो फिर गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए। अरे पर कैसे? सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी। ये भाई, ये हेडमास्टर, हाँ, इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाई बोझ न लगे वो देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे स्कूल का माहौल ऐसा बनाओ कि बच्चों को स्कूल में रुचि पैदा हो पढ़ाई में। हाँ हाँ। और कुछ? हाँ बाबूजी। अब तुझे क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं है, वो शिक्षक लोग भी हड़ताल करने की सोच रहे थे, उनको भी कुछ समझाओ। क्या? हाँ नहीं, मतलब वो हमारी पगार पगार कम करने के लिए हड़ताल करनी है? नहीं बढ़ानी है। ये भाई, ये इतने बड़े होकर हड़ताल करने की बात सोचते हो, तुमको शर्म नहीं आती? अरे हड़ताल से देश का कितना नुकसान होता है पता है? रोज कमा कर खाने वाले हड़ताल के दिन भूखे रह जाते हैं, भूखे। अरे ये हड़ताल नहीं, ये हड़ताल तो पाप है, पाप। हड़ताल यानी निष्कर्म बैठे रहना। अरे बेकार लोगों के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो इंसान कर्म नहीं करता उनका जीवन तो व्यर्थ है, व्यर्थ। एक बात कान खोल कर सुन लो सब लोग, ज्ञान भक्ति और कर्म, इन तीनों में कर्म को सबसे श्रेष्ठ कहा है, श्रेष्ठ। इसीलिए बच्चों कर्म करो, हड़ताल मत करो। बोलो बच्चों, आज के बाद कभी भी हड़ताल करोगे? नहीं। शाबाश। मेरा बापूजी। हाँ तुम देखो कैसे हो बच्चों। दीपेंद्र के दादाजी के लिए थ्री चीयर्स। हिप 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 हिप। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि मजदूर के माथे का पसीना सूखने के पहले उसे उसके परिश्रम की कीमत मिल जानी चाहिए, क्योंकि श्रमिक मजदूर किसान वो लोग होते हैं जो सुबह कुआं खोदते हैं इस चीज के लिए कि शाम को उन्हें उसी कुएं से पानी पीना है। हर रोज खोदना है और हर रोज प्यास बुझानी है, हर रोज चूल्हा जलाना है और हर रोज रोटी खानी है। इन हड़तालों से और किसी का नुकसान हो ना हो, लेकिन उस मजदूर का, उस श्रमिक का, उस किसान का जरूर नुकसान होता है जिसे हर रोज अपने पेट के लिए परिश्रम करना है और मेहनत करनी है। कभी सोचा है उन लोगों के लिए आपने? आइए हम भी कर्म करें, श्रम करें, लेकिन इस वक्त एक कर्म करें और वो कर्म है हंसने का। हम मिलकर हंसें और हमें हमेशा हंसाने के लिए है हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.